नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि मल्होत्रा FSIVF सेंटर में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास बहुत मरीज़ जिनके हर जगह ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं वो आते हैं और उनको यहाँ पर सक्सेस मिला है। आज मैं आपको बताऊँगी इनफर्टिलिटी क्या चीज़ होती है और इसका ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आजकल के टाइम में जब महिला और हस्बैंड उसका साथ रहते हैं और एक साल तक प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी जब पेशेंट मेरे पास आता है तो हमें कुछ बेसिक टेस्टिंग करनी होती है जिससे हमें ये पता लगता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से उस कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसके बारे में मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी में बच्चा ना होने में 50% कंट्रीब्यूशन हस्बैंड का होता है और 50% कंट्रीब्यूशन वाइफ का होता है। हस्बैंड के टेस्टिंग में तो बहुत सिंपल चीज़ है, सीमेन चेक किया जाता है जिसमें हम स्पर्म के नंबर देखते हैं, उसकी मोटिलिटी यानी कि वो कितना चलते हैं वो देखते हैं। बट फीमेल में, लेडीज़ में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये यहाँ पर मैं आपको समझा पाऊँगी। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये दो अंडेदानी होती हैं अंडकोश, ये दो नले होती हैं ट्यूब्स जिनको बोला जाता है, और ये बच्चेदानी होती है। नॉर्मल कोर्स में अंडा यहाँ से निकल के ट्यूब के अंदर जाता है और यहाँ हस्बैंड के सीमेन से मिलके बच्चा तैयार होके बच्चेदानी में बच्चा बढ़ता है। अब इनमें से कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्रेगनेंसी आगे ठहरती नहीं है या बढ़ती नहीं। जैसे कि अंडे में कहीं खराबी हो, जैसे आजकल काफ़ी पॉलीसिस्टिक ओवरीज काफ़ी लोगों को है, या फिर हार्मोन की कोई और कमी हो या थायराइड हो, इस वजह से अंडा ढंग से नहीं बनता है। दूसरा, अंडा अगर बन रहा है ट्यूब में कहीं भी ब्लॉकेज है, जैसे टीबी की वजह से ब्लॉकेज हो सकती है या पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई उसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है, तो ये अंडा इस ट्यूब में से होके बच्चेदानी के अंदर नहीं जाता। जब अंडा यहाँ नहीं पहुँचेगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तीसरी चीज़, बच्चेदानी के अंदर कोई ख़राबी हो सकती है, जैसे बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रॉयड हो सकता है या सेप्टम हो सकता है या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, इन सब के सिचुएशन में भी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती। तो जब आप एक डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का क्या समाधान है। आज की डेट में हमारे पास मोस्ट प्रॉब्लम्स का समाधान होता है, जैसे अगर अंडे नहीं बन रहे तो इंजेक्शंस होते हैं जिससे हम अंडे बना सकते हैं, ट्यूब ब्लॉकेज होती है तो उसके लिए हमें IVF का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बच्चेदानी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हिस्ट्रोस्कोपी करके हम बच्चेदानी ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पेशलिस्ट ही आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है अपने ट्रीटमेंट के लिए।